वेलकम टू माय चैनल प्रांजल कुकबुक। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम पुनाको। मशरूम पुनाको टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि मशरूम जो विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। मशरूम की बहुत ही वाइड वैरायटी है स्नैक्स में, लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं, एक बार इसे खाने के बाद आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें मशरूम के साथ साथ हम और भी हेल्दी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे ओट्स, मक्का। चलो बनाते हैं मशरूम पोनाको। टू सी माई मोर रेसिपीज एंड अपकमिंग रेसिपीज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मशरूम को छील लेंगे। मैंने उसकी पहले डंडी निकाल दी है और उसकी स्किन पीछे की तरफ से खींचते हुए आगे से मैंने निकाल दिया है और ये बिल्कुल व्हाइट हो गया है। इस तरह से मैं अपने सारे मशरूम स्किन कर लूंगी और एक मशरूम के चार भाग कट कर लूंगी। मैं इसकी डंडी को भी इसी तरह क्लीन कर लूंगी और उसके भी सर्कल्स कर लूंगी। अब मैं यहाँ पर एक बर्तन में 2 चम्मच मकई का आटा, 2 चम्मच बेसन ले लेती हूँ। उसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्ची, 6 से 7 लहसुन और 1/2 इंच अदरक को कूट लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच दही, आप 2 टेबलस्पून दही भी डाल सकते हैं। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फिर पानी डालते हुए इसकी एक पेस्ट बना लूंगी। पेस्ट मेरी अच्छी बन गई है। अब इस पेस्ट में मैं डालती हूँ हमारे कटे हुए मशरूम्स। मशरूम्स को मैं डाल के अच्छे तरह से घुमा लेती हूँ, जैसे हमारे सारे मशरूम्स को ये पेस्ट लग जाए और वो बिल्कुल अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएं। मैं इस मैरिनेटेड मशरूम्स को 10 मिनट रख दूंगी। उसके बाद मैं एक कटोरी ओट्स का चूरा लूंगी। मैंने यहाँ पर ओट्स को सेक कर पाउडर बना के पीस लिया है। अब मैं अपने मशरूम्स को इसमें से ब्रेड क्रम्स के जैसे डुबाते हुए एक प्लेट में रखते जाऊंगी, कुछ इस तरह से। आप सारे मशरूम्स को ओट क्रम्स में इसी तरह से डिप करके रखते जाइए। इसको आप फ्रीजर में रख रहे हैं तो 5 से 7 मिनट तक रखिए, और अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो 15 मिनट के लिए रखिए, और फिर ये डीप फ्राइंग के लिए रेडी है। मेरे एक एक करके सारे मशरूम डाल दिए हैं और तेज पर इसको फ्राई होने दिया है। अब मैं धीरे धीरे इनको पलटूंगी। इनका कलर सुनहरा होता जा रहा है और ये बहुत ही क्रंची लगेंगे खाने में। अब मैं सारे मशरूम पलट लूंगी और इसी तरह से अपने सारे मशरूम्स को तल लूंगी। मैंने यहाँ पर तेल बहुत ज्यादा नहीं लिया है, क्योंकि हमारा ओट्स का क्रम भी ब्रेड क्रम के जैसे तेल में छूटता है। चाहे हम उसको कितनी भी देर फ्रीजर में रखें तो भी थोड़ा बहुत तो वो छूटता ही है, तो मैंने तेल थोड़ा कम लिया है जैसे हमारा वेस्टेज ना हो। अब हमारे मशरूम पुनाको बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी सर्विंग की तैयारी करते हैं। आप चाहें तो उसको किसी भी बेसिक सैलेड के साथ और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बट ये खाने में तो ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा स्टाइल तो इस तरह से सर्विंग का है। मैंने एक ऑनियन रिंग ली है, बीच में कैरेट ग्रेट किया है और कैप्सिकम। अगर आप इसके ऊपर पुनाको रख के खाएंगे तो बहुत ही लजीज लगेगा। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसे लगा।